सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टोनी चिड़िया और पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर शहर की जंगल की कंपनी में काम करता था। उसकी शादी हुए कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन वो अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को कहीं भी बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर गया था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, शादी के बाद तुम कहीं भी मुझे घुमाने के लिए नहीं लेकर गयी। ऐसा करो, तुम हाफ टाइम की छुट्टी लेकर घर आ जाना, आज हम फिल्म देखने चलेंगी। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं छुट्टी लेकर आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। इतना कहकर बंटी कबूतर अपने काम पर चला जाता है। आज वो बहुत खुश था। हाफ टाइम की छुट्टी लेकर वो घर लौट रहा था। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। अरे यहाँ तो कितने सुंदर फूल मिल रहे हैं, मैं टुनटुनी चिड़िया के लिए एक फूल खरीद लेता हूँ, वो बहुत खुश होगी। बहन मुझे एक सुंदर सा फूल देना। ये लीजिए साहब, ये सबसे सुंदर फूल है, आपकी पत्नी इसे देखकर बहुत खुश होगी। फूल लेकर जैसे ही बंटी कबूतर मुड़ता है, एक हवाई मोटर से कुचल देती है। मौके पर ही बंटी कबूतर की मौत हो जाती है। ये दुखद खबर जैसे ही बंटी कबूतर के घर पहुंचती है, वैसे ही बंटी कबूतर के घर में कोहराम मच जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया, मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं गई, अब मैं जीकर क्या करूँगी। तो मुझे भी उठा ले भगवान, मुझे भी उठा ले। तभी उसकी सास टूनी चिड़िया वहाँ आती है। मनहूस, डायन, कुल लक्ष्मी, तेरे ही कारण मेरे बेटे की मौत हुई है। अगर आज तू उससे फिल्म देखने की जाने की जिद नहीं करती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। तूने मुझे बर्बाद कर दिया और अब तू भगवान के सामने बैठकर झूठे आंसू बहा रही है। चल तू निकल मेरे घर से, जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तू यहाँ रहकर क्या करेगी। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने कभी बंटी कबूतर का बुरा नहीं चाहा। मैं तो ये सब कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। मुझे आप घर से मत निकालिए, इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी। टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी। उसे रोता देख सुंदरी कौवी टुनी चिड़िया को समझाने लगी। अरे टुनी चिड़िया, अपनी बहू के साथ तू ये क्या कर रही है, इसे तू घर से बाहर क्यों निकाल रही है, बेचारी कहाँ जाएगी। ये कहीं भी जाए, मैंने इसका ठेका नहीं ले रखा है, अब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो इसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं। टुनी चिड़िया किसी कीमत पर टुनटुनी चिड़िया को घर में रखने को तैयार नहीं थी। हार मानकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहुत देर तक वो इधर उधर भटकती रहती है, फिर थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि कुछ पक्षी चूड़ियाँ बेचने के लिए जा रहे हैं। उन्हें देखकर टुनटुनी चिड़िया उनके पास जाती है। क्यों बहन, तुम्हें कोई चूड़ी चाहिए क्या, बोलो कौन सी चूड़ी दे दूँ आपको। नहीं बहन, मुझे कोई चूड़ी नहीं चाहिए, मैं एक अनाथ विधवा बेसहारा चिड़िया हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह चूड़ियाँ बेचना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे भी चूड़ी बेचने का काम दिलवा सकती हो। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें चूड़ियाँ दिलवा दूंगी, फिर तुम उसे आराम से बेच सकती हो। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया चूड़ी बेचने का काम करने लगती है। वो घर घर जाकर चूड़ी बेचने का काम करने लगी। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन जब वो चूड़ी बेच रही थी, तब वो देखती है कि टुनी चिड़िया भीख मांग रही है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से टुनी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही है, मेरे होते हुए आप भीख नहीं मांग सकती। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तेरे जाने के बाद मुझे अकेला पाकर कड़कनाथ सेठ ने घर पर कब्जा कर लिया। उठिए माँ जी, आज से आप मेरे साथ मेरे घोंसले में रहेंगी। मैं चूड़ियाँ बेचकर इतना पैसा कमा लेती हूँ कि आपका बोझ मैं उठा सकती हूँ। नहीं बहू, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है, अब किस मुँह से तेरे घर चलूँ। माँ जी, आप पिछली सारी बातों को भूल जाइए और मेरे साथ चलिए। टुनटुनी चिड़िया के बहुत बार कहने पर टुनी चिड़िया मान जाती है। फिर टुनटुनी उसे लेकर अपने घोंसले में आती है और फिर खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में टुन्नू नाम का एक रईस चिड़ा रहा करता था। उसकी दो बेटियां थीं, टुनटुनी और चिंकी। एक दिन वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है। मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले चिंकी, तुम बताओ तुम किसके भाग्य से जीती हो। पिताजी, ये भी कोई पूछने की बात है, मैं आपके ही भाग्य से जीती हूँ।
खाना पीना कपड़े सब आपकी ही तो देन है। पता नहीं अगर आप मेरे पिता नहीं होते तो मेरा क्या होता। जमींदार कहता है, चिंकी मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुआ, मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। फिर जमींदार अपनी छोटी बेटी टुनटुनी से पूछता है, टुनटुनी बेटा अब तुम बताओ तुम किसके भाग्य से जी रही हो। पिताजी सभी अपने अपने भाग्य से जी रहे हैं, मैं भी अपने भाग्य से जी रही हूँ। मूर्ख लड़की, तू मेरा दिया खा रही है, मेरा दिया पहन रही है और कह रही है कि तू अपने भाग्य से जी रही है। निकल जा यहाँ से, आज के बाद इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। चार दिन जब भूख प्यास से तड़पेगी तब समझ जाएगी कि तू किसके भाग्य से जी रही है। ये कहकर जमींदार अपनी बेटी टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देता है। भटकती भटकती एक दूसरे जंगल में पहुंचती है। पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरे भाग्य में ही लिखा होगा। तभी पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाला है, अब मैं इसी जंगल में रहूंगी छोटा सा घोंसला बनाकर। टुनटुनी जंगल में ही घोंसला डालकर उसी में रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पिताजी मुझे पता चला है कि टुनटुनी एक जंगल में घोंसला बनाकर उसमें रह रही है, चलिए चल के पता लगाया जाए कि उसकी अकल ठिकाने आई कि नहीं। जमींदार अपनी बेटी चिंकी को लेकर उस जंगल में पहुंचता है। जब टुनटुनी अपने पिता को देखती है, आइए पिताजी बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं तो ये देखने आया था कि तेरी अकल ठिकाने आई है कि नहीं। टुनटुनी तू जल्दी से बता दे कि तू पिताजी के भाग्य से जी रही है। नहीं चिंकी दीदी, मैं अपने भाग्य से जी रही हूँ। ये सुनकर जमींदार गुस्सा हो जाता है और घोंसले को तहस नहस कर देता है। पिताजी ये आपने क्या कर दिया, मैंने बहुत मुश्किल से अपना ये आशियाना बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं मैं फिर से बना लूंगी, लेकिन आपकी बात को कभी नहीं मानूंगी। मूर्ख चिड़िया, इस बार तो मैं तुझसे मिलने आ गया, लेकिन अब मैं कभी तुझसे मिलने नहीं आऊंगा। गुस्से में जमींदार घर लौट जाता है। एक दिन जमींदार बहुत बीमार पड़ जाता है। जमींदार को अपनी की गई गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो अपने नौकर को भेजकर टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी बेटा मुझे माफ कर दे, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मैं समझ गया हूँ सभी लोग अपने अपने भाग्य से जीते हैं। पिताजी मैं तो आपसे कभी नाराज थी ही नहीं, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बेटा मैं चाहता हूँ कि तू आज के बाद तू इसी घर में रहे। टुनटुनी अपने पिता की बात मानकर अपने घर में खुशी खुशी रहती है। सुंदरवन के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसका पति कालू कौवा दिन भर टूनी चिड़िया से झगड़ता रहता था और उसे पीटता रहता था। एक दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, देख अगर तूने बेटा पैदा नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये आप हर समय मुझे इस तरह क्यों बोलते रहते हैं? बेटा और बेटी पैदा करना आपके या मेरे हाथ में थोड़ी ना है, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। भगवान कुछ नहीं जानता, मुझे तो अब बस बेटा ही चाहिए। उस समय टूनी चिड़िया प्रेग्नेंट थी। अचानक एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अंडे देते समय उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान, ये मेरी बहू के साथ क्या हो गया? मैंने अपने बेटे से मना किया था कि बहू को इतना मत सताया कर, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना, अब मेरी छोटी सी बच्ची टुनटुनी चिड़िया को कौन देखेगा। अरे पिताजी तुम रो क्यों रहे हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि रास्ते का कांटा कट गया, मैं कल दूसरी शादी करूंगा। अरे बेटा ये तू कैसी बातें कर रहा है, तू बिल्कुल पागल हो गया है क्या? अभी तेरी पत्नी की अर्थी भी नहीं उठी और तू दूसरी शादी के लिए बात कर रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। अगले दिन ही कालू कौवा सुंदरी नाम की कौवी से दूसरी शादी कर लेता है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तुझे देख रही हूँ, तू इस बॉल से कब से खेल रही है और घर का एक भी काम नहीं कर रही है। 15 दिन से मैं काम करके थक गई हूँ, लेकिन तू तो इस बॉल से दिन भर खेलती रहती है। मैं कह देती हूँ आज के बाद तू इस घर का सारा काम करेगी, मैं
एक भी काम नहीं करूंगी। इतना सब कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। माँ मत मारो मुझे, मुझे मत मारो माँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। माँ मुझे मत मारो। आज से तुझे घर का सारा काम करना है, तुझे मेरे कपड़े धोने हैं, खाना भी पकाना है और बर्तन भी तुझे ही धोना है। ठीक है माँ, मैं सब कुछ करूंगी। टुनटुनी चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनकर कालू कौवा वहाँ पर आता है। तू इसे मार क्यों रही है, क्या हुआ मुझे बता। ए जी, कब से घर के सारे काम मैं ही कर रही हूँ और एक ये है कि बॉल के साथ लेकर कभी यहाँ जा रही है तो कभी वहाँ जा रही है। क्यों नहीं टुनटुनी, तू दिन भर बॉल से खेलती रहती है, तुझे और कोई काम नहीं है क्या। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगता है। मारो इसे और मारो, दिन भर काम करते करते मेरा हाथ दुख जाता है और ये बस खाने के समय पहुँच जाती है। शोर की आवाज़ सुनकर कड़कनाथ वहाँ आता है। अरे तुम दोनों इसे क्यों मार रहे हो, क्या किया इसने। मारे नहीं तो और क्या करें, दिन भर बस इधर उधर घूमती रहती है और घर का काम एक भी नहीं करती, सारा काम मुझे करना पड़ता है। पिताजी तुम इन सब झमेले में मत पड़ो, आज से टुनटुनी चिड़िया घर का सारा काम करेगी। लेकिन बेटा उसे पढ़ना लिखना भी तो है, जब घर का ये काम करेगी तो पढ़ेगी लिखेगी कब। चुप, बिल्कुल चुप पिताजी, अब से आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, आज से इसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद, ये घर के काम करेगी। अगर आपको इसका काम करना अच्छा नहीं लगता तो आप कोई दूसरा ठिकाना देख लीजिए। है भगवान इस बिना माँ की बच्ची की रक्षा करना। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को बहुत तेज बुखार आता है, वो बिना काम किए ही सो जाती है। जब सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को लेटी हुई देखती है तभी उससे कहती है, अरे तू यहाँ सोई है और घर के सारे काम कौन करेगा, तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी। मेरी माँ का नाम क्यों ले रही हो, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है इसलिए मैंने कोई काम नहीं किया, आज का माफी कर लीजिए। मेरे सामने बहाना मत बना, चल उठ और जाकर सारा काम कर। तभी कालू कौवा ऑफिस से घर आता है। देखिए जी आपकी बेटी बहाना करके यहाँ सोई हुई है और कह रही है कि इसकी तबीयत खराब है, आज तो इसने खाना ही नहीं बनाया, आपको भूखे ही रहना पड़ेगा। तेरी इतनी मजाल टुनटुनी चिड़िया। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को झाड़ू से पीटने लगता है। तभी कड़कनाथ सेठ वहाँ आता है और कालू कौवे को जोर से थप्पड़ मार कर उससे कहता है, अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, अपनी पत्नी के साथ मिलकर तू अपनी ही बेटी को मार रहा है, ये तो देख उसकी कितनी तबीयत खराब है, अब हम एक दिन भी यहाँ नहीं रहेंगे, मैं टुनटुनी को लेकर इस नर्क से जा रहा हूँ। कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया को नदी पार वाले जंगल ले जाता है और वहीं पर एक घोंसला बनाकर दादा पोती उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं।